जी, मैं सिटी ऑफ फैसलाबाद आपसे मुखातब हूँ। आज हम लाइसेंसिंग के हवाले से बात करेंगे, जो लाइसेंसिंग में कार टेस्ट किया जाता है। इसके बारे में अक्सर आवाम में कन्फ्यूजन पाई जाती है कि टेस्ट बड़ा मुश्किल है, ट्रैफिक वाले फेल कर देते हैं, रेफरेंस के साथ जाना पड़ता है, सिफारिश करवानी पड़ती है। तो आज मैं आपको इस हवाले से ब्रीफ करूँगा कि ये बिल्कुल सिंपल टेस्ट है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। SOP के मुताबिक जिस तरह हम ट्रैक पर भी खड़े हैं, ये L शेप में ट्रैक है कार के टेस्ट के लिए। इसमें इसकी चौड़ाई है 10 फिट और यहाँ पे टर्न पे आके इसकी चौड़ाई कॉन्स के दरमियान 12 फुट हो जाती है। इसमें सीधे हमने इधर से आना है और यहाँ से टर्न करते हुए गाड़ी को इधर दे के जाना है और इसी तरह फिर रिवर्स में आना है। रिवर्स में आते हुए फिर यहाँ से गाड़ी टर्न करेंगे और वापस वहाँ पर जाके खड़ी कर देंगे। और इसमें एक और भी सहूलत है कि जाते हुए या आते हुए स्पेशली मोड़ पर जाके लोगों को प्रॉब्लम होती है कि कौन टच होने का, एक जेन में प्रेशर सा आ जाता है, तो उसमें आप एक दफ़ा गियर चेंज करके गाड़ी को थोड़ा आगे या पीछे कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो ये बिल्कुल सिंपल आसान टेस्ट है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, हमारा यहाँ पे सेंटर्स में स्टाफ मौजूद है जो आपको गाइड करेगा, टेस्ट से पहले ब्रीफ करेगा। और फिर भी अगर आप समझे कोई कन्फ्यूजन है, कोई शिकायत है, तो आप CTO ऑफिस में या हमारी ट्रैफिक हेल्पलाइन से रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। अमरी डिमॉन्स्ट्रेशन देते हैं। ये देखें आप, बिल्कुल कंफर्टेबल होके ट्रैक के अंदर गाड़ी लगी हुई है, इसमें इजी होके बैठें, सीट और स्टेयरिंग अपनी हाइट के मुताबिक एडजस्ट करें। और ये देखें, ये हमने अब चलानी शुरू कर दी गियर लगा के, बिल्कुल कंफर्टेबल तरीके से जाएं। गाड़ी को ज़्यादा बाहर की तरफ रखें क्योंकि हमने अभी यहाँ से टर्न करना है। और ये देखें, यहाँ पर आके ये हमने फुल टर्न कर दी गाड़ी। ये अभी हम L शेप में यहाँ पे एंड पॉइंट पे आ गए। अभी यहाँ से हमने रुक के रिवर्स गियर लगाना है। ये अभी हम वापस जा रहे हैं। अब यहाँ से हमने कोशिश करनी है कि कौन से नज़दीक रखें। ये देखें, यहाँ से आके अब ये वो पॉइंट है जहाँ पे ज़्यादातर लोग अक्सर जिनको कन्फ्यूजन होती है और वो प्रेशर में आके फेल हो जाते हैं। ये देखें, अब इस पॉइंट पे आके अगर आप समझ रहे हैं कि आपको को प्रॉब्लम है, तो आप थोड़ी सी, या शक है कि गाड़ी कौन के साथ टच हो सकती है, तो आप थोड़ी सी गाड़ी आगे भी कर सकते हैं। ये देखें, ये जैसे हमने थोड़ी सी यहाँ पर गाड़ी आगे की, एक दफ़ा हमारे पास चांस है कि हम गाड़ी अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद अब बिल्कुल कंफर्टेबल तरीके से हमने ये कोनों तरफ, दोनों तरफ देखी, हमारी लाइन में सीधी नज़र आ रही हैं और ये हम पीछे वापस ले गए। तो ये एक आसान सा टेस्ट है, इसमें आपको जब आएंगे तो हमारा अमला आपको गाइड भी कर देगा और इस तरह आप आसानी से किसी रेफरेंस, किसी प्रेशर के बगैर ईज़िली आएँ, टेस्ट दें और पास हो सकते हैं। थैंक यू।